पाकिस्तान में जिते खाद खुराक जा मसला ढीहों ढी वधंदे नजर अची रहा है उते डिठो वे तो मुल्क IMF अमेरिका बेन बैन अवी इदार के कर्ज हेठ रिढ़ी रेड़ियों पाए रो है डेही तोड़े परदेही कर्जन जो तनासुब 12.7 अरब रुपये का भी अगत वो है जडे त इन कर्ज का सवाल पाक चीन राहदारी मनसूबे वो कर्ज अना अलग है कर्ज सबब 60% का गुर्बत के लीके का हेठ मू जिंदगी गुजारण से मजबूर हैं तो वरी बे तरफ 70% बार तालीम जड़े जेवर का महरूम ए 84% पूरे मुल्क की आबादी साफ पानी जड़ी नेमत का महरूम है अड़ी तरह सेहत के बुनियादी सहूलतों में भी मुल्क का खास तरक्की ना है कई ए नई आवाम के सेहत जो हड़ई बुनियादी सहूलतों हासिल थी सकूँ जैसे बिजली की खोट गैस की लोडशेडिंग रोड रस्तन की खराब सूरत हाल भी कंखा लिकल ना है जैसे ये मसला ए मुंझारा पूरे मुल्क से सलाड़ियल उते हाने उहे रिपोर्टू पिण मंजर आम थे अची चुकन त पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के आवड़ में है इन वक्त माहौलियाती तब्दीली जा नाकारी असर पाकिस्तान से पैजी रहा मजमू तौर हाँ 7 नंबर से अची पहुतो है वेझड़ वार दिहाड़न में खास तौर 2010 वाली महाबोड के रातहन ए मुख्तलिफ़ वक्तन से जिलजिलन इो अगे बुधा छो है तो यो सब कुछ मौसमी तब्दीली कर ही है जडे त माहौलियाती तब्दीली कर मुल्क से पवंदड़ असर का अग इहा चिटाई पिण माहिर कर चुका है त कराची पिण जलजिले के इम्कान सबब इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में है गडोगद माहिर यह गाल पिण कर चुका है त कराची में जैसे जिलजिलो आयो तो उनको नुकसान तमाम घणो थी सके तो जैसे सबब घण मार इमारतों होजन से गडोगद सलामती वो मुद्दों पूरा करण बावजूद इमारतों की मौजूदगी उ माहिर जैसे कुछ महीना अग अड़न खदशन जो इजहार भी कर चुका है पर उन बावजूद संदन सलाहों मशवरन से सिंध के राजधानी में को भी अमली कदम न खो है इन बरक्स दिठो वे तो इन वक्त एक तरफ पानी की खोट सबब सिंध में सोकहड़े जो गालू थी रही हैं तो बे तरफ हमेशा वागुर इन भेरे भी सिंध वफाक आदो दाहींदे नजर अचे थी मतलब त जिते पूरा मुल्क माहौलियाती तब्दीलियों के नाकारी असर हेठ है उते सागे वरी वफाकी सरकार की एक हट्टी हथरादू तौर सिंध ना मनफी लाड़ा मुतारिफ कराए रही है जै कर यो चवण वधाव न हों असा इदारा इन सतह से अना ताई पोची न सकया हैं जो हलंदड़ तकरार भी खत्म कराए सघन ए माहौलियाती तब्दीली के भी मुंह दई सघन दिठो वे तो माहौलियाती तब्दीलियों के मुंह दियण लाए पाकिस्तान की गणप दुनिया के उन पंजन मुल्क में थे थी जिते माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कानून भी मौजूद है ए साल 2016 में पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट कौमी असेंबली सेनेट में भी मंजूर थी चुको है यो बिल हाँ कानूनी हैसियत भी हासिल कर चुको है ए कानून जुड़ने का पोए पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी ए पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज फंड के नाले टे इदारा भी कायम थी चुका है पर उन इदारन होंदे रिथाबंदी किथे भी नजर नथी अचे ए नई कें नमूने दरपेश चैलेंजन के मुंह दियण लाए का तैयारी नजर अचे थी जैजो नतीजो अज वही इो निकतो है जो पाकिस्तान दुनिया उन 7 मुल्क के सिफुन में बीठल है जिते मौसमी तब्दीलियों सबब मनफी असर पैजी रहा है ए हाँ तो ये भी अगकथ्यू थी रही हैं त पाकिस्तान में इंदड़ 15 सालन दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो वक्त 405 मैट्रिक टन चार्ज थी रही है वह 1603 मैट्रिक टन का भी वधी वेंदी वक्त माहौलियाती चैलेंज से मुंह दियण लाए 14 अरब रुपया तो हासिल कया वन था पर इंदड़ वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के जब्ते में आण लाए 20% तक घटाने लाए एक हद तक रखने लाए बैन अल-अक़वामी बिरादरी का 40 अरब डॉलर पिण तलबिया वन इन सूरत हाल का पोए तो 14 अरब डॉलर पूरे मुल्क में माहौलियाती तब्दीली के मुंह दियण लाए किथे ए कें खर्च थी रहा है जिथे यो सवाल पैदा थे तो उते यो सवाल पिण इंतहाई अहम है तो माहौलियाती तब्दीलियों का मुल्कवासियों के बचाने लाए सिंध के आपपाशी वाले खाते वांगुरी टिन्हीं इदारन पारा जैसे कम किया वो तो पाकिस्तान अज जो पूरी दुनिया में 7 नंबर से है इो अगे नंबर से भी सुरी सके तो तेरे घुर्ज इन गाल जी आहे तो माहौलियाती तब्दीलियों के मुंह दियण लाए इदारा डोकड़ खाने लाए न पर मुल्क संवारण लाए किरदार निभान ती इन सूरत हाल के मुंह दई सकजे।